आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में खुलासा, कुल संक्रमितों की में 46% को ओमिक्रॉन। चुनाव आयोग ने कहा सभी पार्टियां समय पर चाहती हैं मतदान, 1 घंटा बढ़ाया जाएगा वोटिंग टाइम। केंद्र पहले फ्लाइट रोक देता तो दिल्ली में नहीं फैलता ओमिक्रॉन, हो रहा कम्युनिटी स्प्रेड बेकाबू, कोरोना के बीच बोले सत्येंद्र जैन। जनवरी के बाद होगा यूपी में चुनाव का ऐलान, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले संकेत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। भाजपा की जनविश्वास यात्रा मथुरा से चलकर आज शाहजहांपुर पहुंची, इस दौरान यात्रा का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समेत बरेली के सांसद संतोष गंगवार मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ती है, भाजपा केवल विकास की बात करती है। शाहजहांपुर में यह स्वाभाविक जन समर्थन है, ये लोगों के स्वाभाविक अनुकूलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मन से पसंद करते हैं, विकास को मन से पसंद करते हैं और हर तरह से अपराध के खिलाफ जो हमारे प्रधानमंत्री और मोदी जी ने और योगी जी ने जो जंग छेड़ी है उसके प्रति यह जनविश्वास यात्रा है। और जहाँ तक शाहजहांपुर का सवाल है, आप ये देखिए, ये भीड़ किसी की लाई हुई नहीं है, ये स्वाभाविक अनुकूलता है उनके मनोमस्तिष्क में और उसी का ये प्रदर्शन है। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में कितना बड़ा चुनाव से पहले ये लोगों का जैसे किसी के दिल की बात नहीं। खबर राय बरेली से है जहां हास्य कलाकार और फिल्म बंधु चेयरमैन राजू श्रीवास्तव के पीआरओ प्रदीप श्रीवास्तव की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रदीप श्रीवास्तव बछरावा से लालगंज मार्ग पर ऑल्टो कार से जा रहे थे, उसी दौरान अघौरा के पास अज्ञात वाहन उनकी कार में टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रदीप श्रीवास्तव का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर रायबरेली से है जहां हरचंदपुर विकासखंड कार्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वृद्ध महिला कई दिनों से कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है, जिसके बाद वृद्ध महिला और उसके परिजन खंड विकास कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और साथ ही ग्राम विकास अधिकारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। यहाँ भाई साहब आज हम आए थे, एक प्रेमा देवी हैं, ये कोतिया मऊ निवासी और पारा ग्राम सभा का मामला है और मैं उन्हीं के लिए आया था। ये परसों मेरे पास गई और कहा कि जो है भैया मेरा जो है मृत्यु प्रमाण पत्र है पति का, वो नहीं बन रहा है। मैंने जो है मेरे पिता की वो पति की मृत्यु जो है 21 सितंबर को हो गई थी, मैंने 5 अक्टूबर को एक लेटर दिया है। मोहित कुमार हैं कोई जो है बता रहे हैं उनके ग्राम सभा के ग्राम विकास अधिकारी और उसके बाद जो है तब से ये लगातार इनके पत्र। खबर बुलंदशहर से है जहां नगर पालिका में भाकियू महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सड़क समस्या को लेकर नगर पालिका पर धरना देते हुए कहा कि चेयरमैन और ईओ समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, कई बार चेयरमैन और ईओ को एप्लीकेशन दिया जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, बस सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है।
बुलंदशहर सदर नगर पालिका के क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 के रामा इनकलैब और वार्ड नंबर 29 की जो कॉलोनी है सुशीला बिहार रामा इनकलैब, इनमें ना तो सीवर लाइन के बाद आज तक सड़क बनी, ना नाली बनी, ना पानी की निकासी है। जहाँ स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को, हमारी माता बहनों को पूजा करने के लिए, मंदिर पाने जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसमें 4 महीने से लगातार ये हमारी महिला पदाधिकारी यूनियन की सदस्य ज्ञापन देती आ रही हैं, जिसमें कोई भी अधिकारी, कोई भी विधायक, सांसद सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ हम अपने वोटों के अलावा वोटों की राजनीति। फतेहपुर में लगी धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। शहर के अंतर्गत एक गांव में जन्मदिन के मौके पर बार बालाओं का डांस कराया गया। बार बालाओं के डांस का लोगों ने लुत्फ उठाया। बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस का वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो मालवा थाना क्षेत्र के कांधी गांव का बताया जा रहा है, जहां जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने डांस करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 29/12/21 को थाना मलवा के ग्राम कांधी में सूरज बली रैदास की नातिन के जन्मदिवस के अवसर पर बार बालाओं का असली डांस कराया जा रहा था, जिसके संबंध में थाना मलवा में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा। खबर औरैया से है, जहां स्कूल की जांच करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी खुद ही बच्चों को पढ़ाने लगे। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को मुगल शासक के बारे में बताया और कब कैसे मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई इसकी जानकारी दी। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल के बच्चों से जो भी कुछ पूछा गया उन्होंने सबका सही जवाब बताया। बच्चों को जब हम आए तो बच्चों से पूछा कि आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, मैथ में क्या, हिस्ट्री में क्या, हिंदी में कितने विषय, आपके कितने चैप्टर हो गए हैं। तो हमने देखा काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, फिर हमने देखा बच्चों का टेस्ट लेना था, तो बच्चों से मैथ के सवाल भी पूछे, क्वेश्चन पूछे। और हमने लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र के सेमरावा गांव में गांव के नल पर पानी भरने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस हादसे में एक युवक की लाठी डंडों और धारदार हथियार से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की मां और बहन को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज CHC में किया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां सांडी कस्बा और थाना क्षेत्र के बाजार में मीट लेने आए युवकों ने गोलीबारी की। मीट देने से मना करने पर युवकों ने मुर्गा व्यापारी को गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोगों ने अपने घर से बाइक सवारों पर ईटा पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। और इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने आनन फानन में घायल दुकानदार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सदर बाजार में अपनी मीट की दुकान बंद कर घर जा रहे थे, इसी मध्य 3 युवक मीट खरीदने आए। मीट विक्रेता से तीनों युवकों के किसी बात को लेकर विवाद विवाद हो गया, जिस पर युवकों ने उनको गोली मार दी। इस सूचना पर आसपास के लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट की गई है। पकड़े गए जो दोनों आरोपी हैं उनके नाम वीरपाल और सुनील हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई कर घायल सभी को जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया, जहां से हायर सेंटर ट्रामा लखनऊ रेफर किया गया। रास्ते में जाते समय उनकी मौत हो गई है। दोनों आरोपी जो पकड़े गए थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया है। परिजनों से तारीख ली जा रही है। खबर आगरा से है, जहां पर सोठ की मंडी में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये मामला आगरा के मदिया कटरा के सोठ की मंडी का है। खबर बुलंदशहर से है, जहां सियाना कोतवाली गांव में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना मिलते ही CO और कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिसके बाद एक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या के उकसाने का आरोप लगाया है। पति को लेने जा रहे थे, इसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था,
इसकी एक महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा जांच भी की जा रही है। आज इन्होंने जीवन से पता डालकर अपनी आत्महत्या कर ली है। एक तहरीर प्राप्ति है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। मामला ये था, रक्षाबंधन तक तो सही रही। अच्छा, तो रक्षाबंधन पर जाने के बाद फिर वही इसे जो है जैसे भी है प्रताड़ित जैसे भी करना है तो वो नहीं लाई फलाना ठिकाना। कौन प्रताड़ित कर रहा था? जो इसके ससुराल वाले हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर हम गए, वहाँ जाने के बाद देखा था हमने इसकी हालत ऐसी कर रखी जैसे हम तनक भी जोर से बोले या कैसे भी हम कहें बेटर रहो हैं तो एकदम ऐसा आँख मिल मतलब इतनी कमजोर और ऐसे कर रखी कि यानी यार कोई मेडिसिन दे। खबर फरुखाबाद से है जहां पर राजस्थान से अपहरण कर लाए गए सरपंच को फरुखाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने सरसों के खेत में डेरा जमाया था। सरपंच को गांव के कमरे में कैद किया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर इस घटना पे बंधक बने सरपंच को देखा। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस और ग्रामीणों ने मौके से चार बदमाशों को पकड़ा। बदमाश सरपंच से 5 लाख की फिरौती की मांग कर रहे थे। मोबाइल से ही व्हाट्सएप कॉलिंग मैसेज आ रहा था कि भैया 5 लाख रुपए यहां ले आओ और अजय सिंह जी के अकाउंट में 5 लाख रुपए डलाओ, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। जब आप तक हमारे पास पैसे पहुँचाओगे जब ही छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हम क्या लोकेशन के द्वारा हमारे कानो थाना के पुलिस लेकर हम उसके पीछे पीछे आ गए तो यहाँ के जो आपने तुर्कीपुर गांव है वहाँ पे पता चला तो वहाँ के आके तो 5 जनों को अरेस्ट करके यहाँ नवाबगंज छोड़ा। तुर्कीपुर नहीं, राजारामपुर में। राजारामपुर अभी जिनका अपहरण हुआ वो नहीं मिले? हाँ, जिनका अपहरण हुआ है मदन लाल जी गुजर का, वो बहुत पूर्व जो सरपंच साहब हैं वो नहीं मिले। इनको ये वहाँ से मुलजिम में लूट करके भागे हुए थे। इनको जानकारी मिली, पीछा करते हुए गाँव पहुँचे। गाँव पहुँच करके जो है तब इन्होंने जो है थाने में सूचना दी, मुझे सूचना मिली किस काशी से मुलजिम को यहाँ पर आए हुए हैं और इनको जो है मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें सहयोग की जरूरत है। इस सूचना पर थाना नवाबगंज की पुलिस इसको साहब और मैं पहुँचा। और खबर संभल से है जहां थाना केला देवी के ग्राम मूसापुर के रास्ते से अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला की शिनाख्त में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।